जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। और आज करने वाली हूँ मैं माँ का श्रृंगार। सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 5:30, और 5:30 बजे उजाला अच्छा खासा हो जाता है। तो मैंने पूजा नहीं की क्योंकि आज मैं लेट हो गई पूजा करने में, श्रृंगार में भी लेट हो गई। क्योंकि जैसे ही मैं सोकर उठी, और सोती तो खैर हुई नहीं, मैं नहाने के लिए जैसे गई, मैं नहाकर जैसे ही निकली, मेरी नज़र एक बहुत बड़े सांप पर पड़ी, जो मेरे घर की, जो मंदिर के नीचे जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ बीच में बैठा हुआ था सुबह सुबह। और मेरे ख्याल से उसने अपने पेट में कुछ खाया हुआ था, बहुत बड़ा था और बहुत मोटा भी था। देख के मेरे हाथ पाँव फूल गए क्योंकि नीचे यीशु सो रहा था, और अगर उसको भगाते या कुछ भी करते तो ऐसा ना होता, वो उसी कमरे की तरफ भागता जहाँ यीशु सो रहा था। तो बहुत डर भी लग रहा था, और सुबह का टाइम, किसको बुलाएं। तो बस फिर मैं उसका लगाती हूँ फोटो यहाँ साइड में, आप देखना कितना बड़ा सांप था। सुबह सुबह जैसे तैसे उसे घर से निकाला है, और बस बच गए। मुझे बहुत डर लगता है, ये सांप, चूहे, छिपकली, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लगता है। अपने लिए नहीं, क्योंकि बच्चा घर में था, और ऐसा ना हो कहीं भाग जाए वो, हम कुछ करें या कुछ उसको डंडे से हिलाए करें तो ऐसा भाग कर वो कमरे में चला जाए, उसी कमरे में बैठ के नीचे घुस जाए तो कैसे निकलेगा, है ना। फिर बच्चा भी उसी कमरे में सो रहा है तो टेंशन हो जाती है। तो बस इसी चक्कर में मेरे को आज अभी 6:15 हो गए हैं, और अब मैं जाके पूजा करूंगी और श्रृंगार करूंगी माँ का। तो बने रहिएगा वीडियो में, माँ काली के श्रृंगार के वीडियो में। और वीडियो को सभी लाइक कर देना, कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डर अभी भी मेरे मुंह पर बना हुआ है इशू को लेके, क्योंकि वो अकेला सो रहा था वहाँ, मैं नहाने गई हुई थी उस टाइम पे। तो बस ठीक है, माता रानी के होते किसी का बाल बांका नहीं होता। चलो तो बने रहिएगा वीडियो में, और अभी मैं पूरा मंदिर का सामान बाहर निकालूंगी, नारियल, त्रिशूल वगैरह, शंख वगैरह जो भी है, और फिर हम श्रृंगार करेंगे माँ का। तो बने रहिएगा वीडियो में।
है खूब पानी में डुबकी लगा लगा के, और अब मैं उसको पोंछ रही हूँ। आवाज़ आ रही है कि आपको, मेरी पंखा चल रहा है। अब मैं उसको पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी मालिश करूँगी। मेरा प्याला चला गोपाल, मेरा प्याला चला दूध। हाँ मजा आया आज नहाने में। बोलो मुझे भाई, देखो मत ऐसे।
देखो फाइनली लाला भी तैयार हो गया। अभी उसकी ड्रेस को मैंने सेट नहीं किया अच्छे से, तो वो आपको बिखरी हुई दिखेगी। बाकी लाला ऐसे तैयार हो गया पूरा, और इधर माँ तैयार है, बिल्कुल दोनों माँ बेटे एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। माँ कैसी लगी, लाला कैसा लगा, और बहुत थक गई हूँ, थकी नहीं हूँ मतलब नींद आ रही है। ये आ गए लाला मेरी गोदी में, और लाला ये बोल रहे कि वीडियो के एंड में आप आ गई, आपकी मैया आ गई, और मैया मैं तो रह ही गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम भी आ जाओ वीडियो के एंड में। कपड़े पूरे अस्त व्यस्त कर लिए उनने, छोटे बच्चे होते हैं पूरे। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट में कैसे लगी आपको माँ का श्रृंगार और मेरे लड्डू का श्रृंगार। लड्डू देख, अरे 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 अरे, ये देखो तिरछी निगाह कर गई, पीछे मैया को देख रहा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय माता दी, जय माँ काली। और अब मैं जाके सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है, 10 बज गए हैं श्रृंगार करते करते। और अब मैं सोऊंगी और उठूँगी 2-3 बजे, फिर वीडियो पब्लिक करूँगी, फिर बस कुछ नहीं। जय माता दी, जय माँ काली, हरे कृष्णा, राधे राधे।